बिहार में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, जिस कारण से बिहार सरकार ने बिहार को अनलॉक कर दिया है। और आपको बताते चले कि अनलॉक के बाद से जो रेल यात्री हैं उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और यात्रियों की संख्या के बढ़ते देख पूर्व मध्य रेल में लगभग जो भी पूर्व में स्पेशल ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया था उसको पूर्ण बहाल किया गया है। इस कड़ी में आपको बताते चलें कि लगभग 7 से 8 स्पेशल ट्रेन जो दिल्ली, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जाने वाले हैं, उस सभी ट्रेनों में 17 तारीख तक यानी कि 17 जून तक वेटिंग चल रहा है। ऐसे में आपको बताते चलें कि जो वेटिंग लिस्ट है वो 17 जून तक है। हालांकि अगर मजदूरों की बात करें तो लगातार जो मजदूर हैं वो बिहार से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, जिस कारण से ट्रेनों में अधिक भीड़ देखने को मिल रही है, और ट्रेनों के परिचालन के साथ साथ वेटिंग लिस्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में मजदूरों का क्या कुछ कहना है जानते हैं। लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ आप टिकट काउंटर का हाल देख ही रहे हैं। जैसे लॉकडाउन कम हुआ, कोरोना का कुछ कहर कम हुआ, उसके बाद लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, बाल बच्चे पालने के लिए अब चल रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। वेटिंग टिकट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मारामारी हो रहा है स्टेशन पर, मैं टिकट लेने के लिए मारामारी है, आप देख सकते हैं। इस पर और क्या कहा जा सकता है, सरकार को सोचना चाहिए कि जो मजदूर हमारे भाई यहाँ आए हुए हैं उनको यहीं हम बिहार में ही किसी तरह से उनको रोजगार दें। अनपढ़ आदमी है वो क्या करेगा, उसको मनरेगा के तहत हाँ किसी तरह, बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ से कमाएगा, कैसे बाल बच्चे को अपने पालेगा पोसेगा। वो भी बात है, अगर यहाँ से दिल्ली मुंबई नहीं जाएंगे तो वहाँ की स्थिति खराब हो जाएगी वहाँ, क्योंकि बहुत सारे कंपनियाँ हैं वहाँ पे। बिहार में कोई कंपनी तो है नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह वगैरह है नहीं। हाँ एकदम सही बात है, हाँ यहाँ से पलायन होते रहती है, जैसे महामारी आया तो फिर रिटर्न घर आए सब कोई, फिर रिटर्न आए तो फिर देख रहे हैं केस कुछ कम हुआ तो सब फिर निकलना स्टार्ट कर दिए अपने अपने जगह पे जहाँ थे। अगर ऐसा कुछ व्यवस्था बिहार में होता तो फिर से रिटर्न जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जा रहे हैं दिल्ली, बिहार में तो अभी तो रोज़गार नहीं है इस हिसाब से, रोज़गार का तो कमी है, पहले से भी कमी है। अभी भी बीमारी से जैसे कि अभी सब आदमी भाग रहा है दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से। हाँ तो बिहार का तो सब जाता है, हर राज्य में जाता है कमाने के लिए। बिहार में रोजगार रहता तो अभी तक मतलब कोई नहीं जाता वहाँ। तो निश्चित तौर पे जो मजदूर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण से वो अब दूसरे राज्यों में जा कर के रोजगार करेंगे और अपने घर परिवार का भरण पोषण करेंगे। कई मजदूर सरकार के तरफ नाराज़गी भी जाहिर किए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब बीजेपी और जदयू की सरकार बिहार में गठबंधन की सरकार बनी थी तो उन्होंने यह वादा किया था कि 19 लाख रोजगार बिहार में मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ये धरातल पे नहीं दिख रही है, जिस कारण से आज भी बिहार के अधिकांश मजदूर दूसरे राज्यों में जा करके कल कारखानों में काम करके और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रही है, उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है पूर्व मध्य रेल के द्वारा। लगातार जो पूर्व में स्पेशल ट्रेनें बंद की गई थी उसको भी पूर्ण बहाल किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों की जो भीड़ है उस पर नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी 17 जून तक है। हालांकि अधिकारी की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो वेटिंग लिस्ट है उसको कम करने को लेकर के स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया जाएगा। सहयोगी राजीव रंजन पाठक के साथ मैं नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।